रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है? अच्छा, वैसे वर्ड की मीनिंग है रेजोल्यूशन की स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, तोड़ना इस, ठीक है। अब कैसे तोड़ना कि ये एक स्क्वायर है जिसमें वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको बहुत सारे, ठीक है, डायरेक्शंस देंगे। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर आप वेक्टर्स को ट्रायंगल फॉर्म में, सॉरी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी 90 डिग्री के एंगल बनते हुए तोड़ेंगे इस तरह, तो ये जो इसके सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स हैं ये कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या कहलाएंगे? इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। जब दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे बनेंगे तो वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। और ये प्रोसेस, यानी इनको अलग करने का, स्प्लिट करने का प्रोसेस जो कहलाएगा, ये रेजोल्यूशन कहलाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहलाएगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर 5 था। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो जब हम ऑनलाइन क्लास में आएंगे तो आप उसमें इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, और अच्छी तरह से बार बार वीडियो को देख के इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 5 का काम सर आपको पहुंचा देंगे। चैप्टर 5 का काम आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम हो उसमें तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं। ओके, थैंक यू।